पकौड़े मिर्चों वाले, पकौड़े दिए मिर्चों वाले। अभी हम कर रहे हैं डिनर और ये अल हबीब होटल पर। हेलो एंड वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली हम ना हैदराबाद पहुंच चुके हैं। तो अभी मैं आप लोगों को स्टेशन का व्यू दिखाता हूं। सामने से देख सकते हो इस तरह से स्टेशन होता है, मतलब देख सकते हो ना काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्यारा है। तो अभी मैं ना थोड़ा ऊपर से व्यू दिखाता हूं आप लोगों को, बात करेंगे हैदराबाद के खाने, फूड व्लॉग भी होगा। तो फ्रेंड्स अब मैंने आप लोगों को यानी कि जहाँ पर पैसेंजर बैठते हैं ना वो जगह दिखाता हूँ। तो सामने ही है इनके अंदर से दिखा देता हूँ, बहुत ही बढ़िया ट्रेन है यार, देख सकते हो यहाँ से ऐसे एंटर होंगे। और ये देखो ये अंदर से ट्रेन है, मतलब ये सीट होगी लोकल। और अगर आपके पास बर्थ है तो फिर ऐसे ये बर्थ होंगे, इन पे बैठ सकते हो। मतलब ये जो है ये इन सीट के थोड़े से ज़्यादा पैसे होंगे, इनके थोड़ा कम होंगे। भाई वो वीडियो में वो काट दूँ या रख दूँ? नहीं नहीं ड्रामे वाले सब ड्रामा रखना, काट दूँ। और इधर से हम ऐसे उतर जाएंगे। ये हैदराबादी मिर्चों का सालन जैसे बोलते हैं ना, मिर्चों का सालन। इसका नाम क्या है दाल का? दाल सब्जी। दाल सब्जी, अच्छा हैदराबादी मिर्चों का सालन वो कौन सा है? अच्छा अच्छा मिर्चों का सालन यही है। और ये ट्रेन का इंजन, और ये है बाकी यहाँ का व्यू। पेटी समोसा, पेटी कितने की है? 30 रुपए की। फ्रेंड्स फाइनली हम ना इस स्टेशन से निकल चुके हैं हैदराबाद से। तो ये स्टेशन ही है, तो इससे आगे हम चलते हैं सीधा सिटी में और वहाँ फूड भी ट्राई करते हैं और सिटी भी आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत बढ़िया सिटी है यार, पाकिस्तान का 8वां बड़ा सिटी है। तो ये स्टेशन का कुछ व्यू है, देख सकते हो हैदराबाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, देख सकते हो ये स्ट्रीट फूड में आता है। ये भाई क्या है? पेटीस। पेटी, अच्छा कितने की एक है? 10 रुपए। अरे खा खोल के, तो एक दो पेटी दो, 10 रुपए की एक है ना? 10 रुपए। आप कब से ये काम कर रहे हो भाई? आपका नाम? मेरा नाम सलमान, मेरे को 2-3 दिन हुए ठिया लगाए हुए भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, मजबूरी का नाम। इधर स्टेशन पर आज आया हूँ मैं पहली दफा। अच्छा, मैं शेर में होता। अच्छा अच्छा ठीक है, चटनी डालो। हाँ लगा दो चटनी भी डालो। तो फ्रेंड्स अब इसको टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि ये कैसा बना है। भाई इसमें कुछ एग वगैरह तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, अंडा नहीं तो ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको चेक करते हैं। बहुत अच्छा है। चलो भैया बहुत अच्छा टेस्ट था आपका, शुक्रिया शुक्रिया भैया, थैंक यू भैया। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं आगे और आगे का व्यू आप लोगों को दिखाते हैं कि आगे क्या कुछ मिलता है। ये फर्स्ट हमने पेटी खाई है हैदराबाद की। जब हम स्टेशन से निकलते हैं ना तो सामने हमारा वेलकम के लिए सखी जान होटल आता है, मतलब वेलकम के लिए क्या, वैसे हमें सबसे पहले जो होटल मिलता है वो सखी जान होटल है। तो सामने दिखाता हूँ आप लोगों को, ये सामने से व्यू कुछ इस तरह का आता है स्टेशन से। सखी जान होटल और सामने आ जाता है रेलवे कैफे। तो इस भाई से भाई इस चौक का नाम क्या है? स्टेशन। स्टेशन, अच्छा ये जो गली है उसका नाम? ये सारा स्टेशन का एरिया है। स्टेशन का एरिया है। तो फ्रेंड्स ये सारा स्टेशन का एरिया है, मतलब कि ये जो गली होगी ये सारा स्टेशन का एरिया है। और अगर कोई यहाँ पे आना चाहे तो बोल सकता है स्टेशन पर जाना है। देख सकते हो ये सामने रेलवे वाला कैफे है, रेलवे वाला कैफे। और इस तरफ से तो फ्रेंड्स ये सारे होटल हैं, मतलब खाना वाना खाने के लिए सभी फैमिली हॉल वगैरह सभी कुछ है। बहुत अच्छा है यार हैदराबाद, मतलब कि हैदराबाद में जो है वो
बहुत ज़्यादा सिंधी लैंग्वेज चलती है, क्योंकि ये सिंध का दिल है ना, तो यहाँ पे सिंधी लैंग्वेज ज़्यादा चलती है। उसके बाद फिर पंजाबी, सरायकी, उर्दू तो पाकिस्तान की कौमी लैंग्वेज है, वो तो सभी सिटी में चलती है। बाकी ये देख सकते हो, तो फ्रेंड्स ये है हैदराबादी मिर्चों वाले समोसे, पकोड़े, मिर्चों वाले पकोड़े भी है, मिर्चों वाले डबल रोटी, मिर्च वाली डबल रोटी कौन सी है? अच्छा अच्छा, तो फ्रेंड्स ये छोटा सा मतलब ये स्ट्रीट फूड है, आप लोगों को ये स्टेशन वाली गली में मिल जाएगा। तो ये पकोड़ा, ये तो ये इसका प्राइस हम पूछते हैं, ये कितने का एक है? 10 रुपये का एक है, और ये अभी इधर बन रहा है, मतलब इसका कोई स्पेशल नाम है या वैसे बस मिर्च वाला पकौड़ा? मसाले वाली मिर्च। तो ये है मसाले वाली मिर्च है, तो दो दे दो, ओनली दो। तो फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा टेस्ट करना है ना, हमारा बचा है भी नहीं दे रहा हूं। फ्रेंड्स ये देख सकते हो शीश नाग, सही है। तो फ्रेंड्स ये मैं पकड़ता हूँ, आप टेस्ट करो। ये पकड़ोगे ना? तो ये तो बड़े वाला खाना? नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं छोटी खाऊंगा भाई। ये हाँ, ये तुम खाओ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो मिर्ची लग रही है। मिर्च, हम यहाँ से चलते हैं आगे और आगे का व्यू आप लोगों को दिखाते हैं कि आगे क्या कुछ फूड मिलता है। हमने अभी तक दो चीज़ें टेस्ट करी है, एक पेटी और दूसरी मिर्च मसाला। और सामने ही कुछ ऐसे ही देख सकते हो, ये सामने कुछ अड्डा सा बना हुआ है। स्टेशन वाले एरिया में वैसे नहीं दिक्कत होती, क्योंकि यहाँ पे सभी रहने के लिए और खाने के लिए सभी कुछ मिलता है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे भी ये खीरे का मतलब कुछ, ये ऐसे खीरा ही मिलता है मतलब, इसमें मसाला मिर्च लगा देंगे। हाँ, नींबू वींबू लगा के। अच्छा ये कैसे, कितने का है मतलब के? 50 रुपये की प्लेट है भाई। 50 की, महंगा यार अभी तो। आधी प्लेट नहीं मिलती? हमें ओनली 20 रुपये के चाहिए, टेस्ट करने हैं। हाँ मिल जाएगी, दे दो। तो फ्रेंड्स अब हम ना इसको टेस्ट करते हैं, ये खीरा, क्यूकम्बर। ये सामने आप लोगों को पक्का किला दिख रहा होगा, चाट मसाला है ना, चाट मसाला। तो फ्रेंड्स ये 20 रुपये की प्लेट है चाट मसाला डाल के। तो फ्रेंड्स अब इसको टेस्ट करते हैं, मुंह में पानी आ रहा है, मतलब देखो ना ऊपर ज़्यादा मसाला लगा हुआ है ना। चाट मसाला और लेमन तो फिर अलग ही लेवल है, क्यूकम्बर का नाम तक नहीं है मतलब। अब ऐसे रिक्शे भी हैं जिसके कार वाले स्टीयरिंग होते हैं ना, वो भी अभी मैंने एक देखा है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो अनार का जूस, कितने का जूस है? तो फ्रेंड अब इसको टेस्ट कर, अच्छा लगा, अनार का फुल टेस्ट आ रहा है। सिटी ये स्टार्ट हो रहा है, यानी ये सिटी इधर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आगे सिटी आएगा। अभी तो ये स्टेशन एरिया है ना। उंगलियों में पहनने वाले, कुछ लोग इनको शौक से पहनते हैं और कुछ लोग इनको वो किस्मत बदलने के लिए ऐसे बोलते हैं, तो हर किसी की मान्यता। इस कलर को क्या बोलते हैं? फिरोजा। इन सब के नाम भी अपने अपने, ये वाला, ये जो है याकून, याकूद, याकूद, फिरोजा, हकीक, और जो मतलब के जो होता है थोड़ा सा ग्रीन सा वो, जैसे ये है। हाँ, एक वो होता है पन्ना भी होता है, पन्ना, ठीक है, और काले वाला हकीक होता है, काला हकीक होता है। तो फ्रेंड्स ये इनके नाम थे, शुक्रिया, थैंक यू। तो हर किसी को मतलब के वो नाम के हिसाब से बताते हैं कि ऐसा पहनो, और सिटी में एंटर होते हैं। ये सामने लिखा हुआ है लतीफाबाद सुपर हाईवे और बदीन स्पॉट, बदीन स्टॉप। तो यहाँ से हम एंटर होते हैं इस साइड पे सिटी की ओर। तो फ्रेंड्स मैं अभी बोल रहा था ना स्ट्रेनिंग वाले रिक्शा, तो ये स्ट्रेनिंग वाला रिक्शा देख सकते हो ये।
लंडा मार्केट बोल सकते हैं इसको, लंडा मार्केट या ऐसा कुछ। तो फ्रेंड्स यानी कि हैदराबाद की सबसे फेमस चीज़ है वो है बिरयानी। तो अभी हम इधर से बिरयानी टेस्ट करेंगे। कितने की प्लेट है भैया? 50 रुपये की। और ये चने वाली है ना? ठीक दे दो ये एक प्लेट। ये आगे हमारी फाइनली बिरयानी। तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया टेस्ट है यार, बहुत ही बढ़िया। और साथ में देख सकते हो ना एक एक चावल अलहदा हुआ पड़ा। हम तो शेफ हैं, इस चीज़ को समझते हैं, बाकी लोग नहीं समझते होंगे। और साथ में ये आप लोगों को ये भी मिलेगा, कटी हुई प्याज और साथ में रायता भी है। तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। इसमें ये भी है छोले जिसे बोलते हैं, चने उसमें डाले, वो इसमें आधा डाले। बस तो फ्रेंड्स अभी हमने चावल खाया ना तो पानी थोड़ा गर्म रहना चाहिए, इस वजह से हमने ठंडे पानी में थोड़ा गर्म पानी मिलाया। ख़राब चीज़ें बनाने वाली शॉप जो होते हैं ना वर्कशॉप्स, वैसी है। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं किसी चौक पर पहुंच चुका हूं। इस चौक का नाम भाई से पूछते हैं। तो भैया इस चौक का नाम क्या है? इस चौक का ये कोहनूर चौक। कोहनूर। तो फ्रेंड्स ये है कोहनूर चौक, यहाँ मतलब इस चौक का नाम है कोहनूर। तो देख सकते हो काफ़ी प्यारा चौक है इधर, मतलब चार चौराहे से भी ज़्यादा गलियाँ हैं, 6-7 गलियाँ हैं यार, 1-2-3-4-5-6 गलियाँ मिलती है यहाँ पे। कचौड़ी, ये समोसा, चिकन समोसा, कचौड़ी, और ये आलू समोसा, आलू समोसा, कहनूर चौक। जोर से बोल दो। कोहनूर चौक गाड़ी खाता, कोहनूर चौक, और वही जो भाई ने बोला है। तो फ्रेंड्स ये वहीं पे है, तो ये टेस्ट करें कचौड़ी। तो फ्रेंड्स अब ना हम कचौड़ी को ट्राई करने वाले हैं, काफ़ी बढ़िया दिख। तो कितने की है भैया? एक 30 रुपये की है। 30 रुपये की। तो फ्रेंड्स हम ना अभी कचौड़ी ट्राई करने वाले हैं। इसमें क्या कुछ है? इसमें वेजिटेबल मसाला है, चिकन अच्छा मसाला है। ठीक ठीक बस। इसके अंदर चिकन तो नहीं है ना? चिकन तो नहीं है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स इसमें ना वेजिटेबल्स और मसाले है बस। बनाओ बनाओ। बहुत ही बढ़िया यार इसका टेस्ट, यानी कि समोसे से अलग है थोड़ा सा, थोड़ा सा समोसा भी है और कचौड़ी भी है। स्टीयरिंग वाला रिक्शा जिसमें मतलब कार के जैसे स्टीयरिंग लगा हुआ है, इस गली मार्केट हैदर चौक है। हैदर चौक। तो ये सामने दिख रहा होगा, ये सामने जो चौक बना हुआ ना इसका नाम हैदर चौक। भैया वो सुजुकी कहाँ से मिलेगी जो अल मंजर पर ले जाए हमें? उधर से बस आएगी, इधर से वो इधर इस साइड रुके। फ्रेंड्स ये देख सकते हो हैदर चौक। सुजुकी भी जाती है ना एक छोटी सी, वो टावर मार्केट पे आती है। अच्छा इधर से बस ही जाएगी? हाँ लोकल बस। ये ऐसा रिक्शा था जिसमें कार के जैसे स्टीयरिंग लगा हुआ है, मतलब चलाने में कार वाला फील ले सकते हो।
रिक्शा चलाते हुए कार वाला फील ले सकते हो, मतलब देख सकते हो ना। ऐसा रिक्शा मैंने पहली बार देखा है। इस रिक्शे को क्या बोलते हैं? मुन्नी टैक्सी। मुन्नी टैक्सी तो फ्रेंड्स इसमें इसको चलाकर काफी अच्छा लग रहा है, मतलब के कार वाला फील ले सकते हैं। मेरा लाइसेंस बना हुआ है यार। तो फ्रेंड्स अब हम ना बस के ऊपर हैं, देख सकते हो छत पे बैठ गए हैं, मतलब व्यूज के चक्कर में देख सकते हो। यहाँ से आपको पूरा सिटी दिखेगा, पूरा सिटी। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स। अभी हम कर रहे हैं डिनर और ये अल हबीब होटल पर। तो ये है आलू पालक, देख सकते हो मी एंड विनय। तो अभी हम बैठे यार, ऐसे बैठे हैं हम तो चौकड़ा मार के चेयर पर। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द भी हो रहा है क्योंकि हम पैदल आए थे ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। अभी इसको टेस्ट करते हैं, खाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं।